अयोध्या में आप सब जानते हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका बहुत सारा ब्रास का काम हमारे नसीब में हुआ है। मेरी फैक्ट्री में बन रहा है, उसका एक मेन ध्वजदंड है, मेन तो ध्वजदंड है। तो शास्त्रों के हिसाब से ये ध्वजदंड हम लोग जो बना रहे हैं पिछले 81 साल से बना रहे हैं, 81 ईयर्स से बना रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं। ध्वजदंड एक प्रकार का एक एंटेना है जो ब्रह्मांड से पूरा ये तरंग जो है वो ध्वजदंड के थ्रू भगवान के नीचे अंदर गर्भगृह में एंटर होता है और यहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो ध्वजदंड बनाने में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो ये अपना जो मंदिर है, जिस श्री राम जी का मंदिर जो बन रहा है शास्त्र के हिसाब से, वो एक तो लेंथ एंड विड्थ वाइज तो बहुत यूज है। उसी के हिसाब से ध्वजदंड भी उसका ऐसा ही बनता है, वो पूरा पीतल का बनता है, भी उसमें कुछ भी नॉन फेरस मेटल यूज नहीं होता है। ये जो ध्वजदंड है वो 44 फीट लॉन्ग है और उसका जो डाया है वो 9.5 इंच है और उसका वॉल थिकनेस है 1 इंच। इट सेल्फ ह्यूज है। हम लोग पिछले 81 ईयर्स से जो बना रहे हैं वो कम लेंथ के हिसाब से 25-30 फुट का बनाया था आज तक का बड़ा बड़ा, और वेट के हिसाब से देखे तो हम लोग बड़ा सा बड़ा जो बनाया है वो 450 केजी का बनाया है। उसके कंपैरिजन में ये जो ध्वजदंड है उसका वेट है 5,500 किलो। तो एक बहुत ही यूनिक पीस है। उसको बनाने में उसका रॉ मटेरियल हमें जो सिलेक्ट करना था वो उसका तो बहुत सारा हमें हमारा जो एक्सपीरियंस था वो हमें बहुत ही काम आ गया आज तक का।